मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से लगातार विकास को गति मिल रही है, ये कहना है विधायक गौरव सिंह पारधी का। उन्होंने 16वीं विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जो भाषण दिया वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लेखानुदान के प्रस्ताव को लेकर चर्चा की गई। कटंगी खैरलांची विधायक गौरव सिंह पारधी ने चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि सरकार के प्रयासों से लोक हित में निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से निरंतर विकास के बड़े काम कर रही है। पारधी ने 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र में अपना वक्तव्य देकर सभापति के प्रति आभार व्यक्त किया। माननीय महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने एक ऐसा बजट पेश किया लेखानुदान, जिसको हम कहेंगे मुखिया मोक्सो चाहिए खान 501 पाले पौसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की राह, हमारे मुखिया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संरक्षण में हमारे वित्त मंत्री जी ने एक ऐसा बजट दिया है जो सबकी चिंता कर रहा है। एक मुख से आखा रहे हैं लेकिन चिंता हर अंग की कर रहे हैं। ऐसे बजट को पेश करने वाले मैं वित्त मंत्री जी को सबसे पहले बहुत सारी बधाई देना चाहूंगा, बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगा। अनेकों चीजें की गई जो मेरे पहले द्वारा भी मेरे पहले वक्ताओं के द्वारा बताई गई है, लेकिन जो विशेष बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस लेखानुदान में लगभग 12% राशि जो है वो अधोसंरचना विकास के लिए रखी गई है। इससे हमारे मां नर्मदा के तट पे निवास करने वाले अनेकों लोग हैं और रीवा से लेके मालवा तक का अंचल मां की पुकार से चिंता करता है, तो मां नर्मदा का जितना हमको जल मिला है उस जल का पूरा उपयोग करने में हमको सहयोग मिलेगा। हमारे अभी भाई बोल रहे थे जनजाति क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी की जनमन योजना के तहत चाहे वो बिजली की समस्या हो आपकी या सड़क की समस्या हो, सारी समस्याओं का हल होगा, चिंता मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा इंतजार कीजिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए भी लगभग 5.5% राशि रखी गई है जिसमें अनेकों व्यवस्थाएं होंगी और जिसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे क्षेत्र के सिविल अस्पताल की जो मेरी प्रार्थना है वो भी मुझे लगता है कि जरूर पूरी होगी। किसानों के लिए लगभग 7.5% राशि रखी गई है, इसमें सारी चीजें दी जाएंगी। बीच में एक विषय आया था कि किसानों की बिजली के लिए क्या किया जा रहा है, तो माननीय सभापति महोदय आपको बताना चाहूंगा कि पहले किसानों की बिजली के लिए एक योजना चलती थी जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में खत्म कर दी गई थी, पुनः हमारी सरकार स्थापित हुई है और अटल कृषि ज्योति जो योजना है उसके माध्यम से किसानों को अनुदान पे बिजली प्रदान की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, हम विकसित भारत का संकल्प लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के राह में हम देखेंगे कि आने वाले समय में वर्तमान में भारतीय भारत जो है 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय में ये 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कार्यकाल में ही बनेगी। 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से ऊपर लाया और एक बात मैं और सबके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है भगवान की अनुकंपा ऐसी रहती है कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाता है, हमारी महंगाई की दर कम हो जाती है। अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो हमारा प्रदेश जो है देश के प्रमुख 18 राज्यों में सबसे नीचे के महंगाई दर में आता है। 3.9 की CPI दर से हमारे प्रदेश में महंगाई की दर है। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तभी मध्य प्रदेश जो है वो बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आया। इसके अलावा हमारी इस देश की GDP अर्थव्यवस्था में जो हमारी हिस्सेदारी जो थी 2003 तक 3.5% थी और आज हमारी देश में हिस्सेदारी 4.84% हो गई है। तो ये लगातार बता रहे हैं कि हमारे वित्त मंत्री लोगों का हमें सही मार्गदर्शन मिल रहा है, सही दिशा मिल रही है। साथ ही साथ मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा माननीय महोदय जी कि हम जब बात करते हैं बेरोजगारी की तो मध्य प्रदेश की बेरोजगारी भी जो है वो कम में है। 3.2% इस
देश के जो अन्य राज्यों की तुलना में हमारी बेरोजगारी भी सबसे कम है। और अभी बात कर रहे थे कि हम पूंजीगत निवेश नहीं कर रहे हैं, तो मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती जब कांग्रेस सरकारें रहती थी तो मात्र हमारे जीएसडीपी का 3% जो है वो पूंजीगत निवेश में जाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है ये 4% से ज्यादा है, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। एक बात और बताना चाहूंगा, बेरोजगारी के लिए अनेक काम हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस दिन एक होती है एक किसी भी प्रदेश में शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, तो शिक्षा के लिए आज हमारे प्रदेश का 3% से ज्यादा जीएसडीपी का 3% से ज्यादा जो है शिक्षा में लगाया जा रहा है, जो कि हमें दिख रहा है आने वाले समय में। मुझे उम्मीद है कि हमारे जिले में जो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे उससे शिक्षा भी अच्छी होगी। और शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी जब कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें होती थी तो 1% से भी कम जो है जीएसडीपी का स्वास्थ्य में लगाया जाता है, लेकिन जब से हमारी सरकारें आई हैं वो 1.25% से 1.5% तक चला गया है। माननीय महोदय, बार बार सब बोलते हैं कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया। अब मैं आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा।